नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बुरहानपुर के कलेक्टर भव्या मित्तल को सम्मानित किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल को बधाई दी है। नव वर्ष 2024 का तीसरा दिन बुधवार बुरहानपुर जिले के लिए नवीन उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के प्रयास एवं जिले की पहचान एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत मुख्य फसल केले का उत्पादन बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए बुरहानपुर जिले को प्रथम राष्ट्रीय ODOP पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं विदेश डॉक्टर एस जयशंकर ने कल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, कलेक्टर भव्या मित्तल को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। वन प्रोडक्ट ऑनरेबल PM की एक योजना है जिसमें हर जिले को एक उत्पाद पे फोकस करना है और उस उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाने के लिए कार्य करना है, क्योंकि हमारे जिले में बनाना हमारा ही एक उत्पाद है और बनाना की खेती सबसे अधिक होती है, तो हमने बनाना को अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माना है और इसमें हम 3-4 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला एज अ फूड आइटम फूड प्रोसेसिंग करके उसके बनाना के चिप्स बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको MIDH से और अदर योजनाओं से फ़ायदा मिला है और उन्होंने अपनी बनाना चिप्स जो है पंजाब हरियाणा में भी सेल करते हैं। हमारे जो रेलवे स्टेशन्स हैं उसमें भी कुछ बनाना प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसमें भी आगे जाके और काउंटर्स खोलने के लिए हमने लोगों से आवेदन करवाया है। हमको एक स्पेशल मेंशन मिला है, उन्होंने बोला है कि बुरहानपुर एक प्रॉमिसिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसका बनाना हम पे फोकस करते रहेंगे तो हम इसको और ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।